हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने रास्टर स्कैन डिस्प्ले देखा था जो कि सीआरटी पे इमेज प्रोड्यूस करने की एक टेक्निक थी। अब हम सेकेंड टेक्निक देख रहे हैं, वेक्टर स्कैन और रैंडम स्कैन डिस्प्ले फॉर प्रोड्यूसिंग इमेजेस ऑन दी सीआरटी स्क्रीन। तो रैंडम स्कैन और वेक्टर स्कैन डिस्प्ले है, इसे हम स्ट्रोक राइटिंग और कैलीग्राफिक डिस्प्ले भी बोलते हैं। रास्टर स्कैन डिस्प्ले में हमने क्या देखा था कि स्क्रीन पर इमेज कैसे प्रिंट हो रही थी, वन रो एट अ टाइम, रो वाइज जो है स्क्रीन पे इमेज प्रिंट हो रही थी और वीडियो कंट्रोलर जो है वो फ्रेम बफर से पिक्सल की वैल्यू लेके स्क्रीन पे वन रो एट अ टाइम जो है इमेज को प्रिंट कर रहा था। लेकिन रैंडम स्कैन डिस्प्ले में क्या होता है कि पूरी स्क्रीन के पॉइंट्स नहीं चाहिए होती हैं, जो भी लाइन ड्रॉ करनी है इमेज की वो डायरेक्टली ड्रॉ कर दी जाती है। अगर ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है स्क्रीन पे तो P1 के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट और P2 पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स देने पड़ते हैं हमें रैंडम स्कैन डिस्प्ले को, और वो डायरेक्टली जो है इन पॉइंट्स पे इलेक्ट्रॉन बीम को मूव करके ये लाइन ड्रॉ कर देता है। यहाँ पर रास्टर स्कैन डिस्प्ले की तरह हर स्क्रीन के पॉइंट की इंटेंसिटी नहीं बतानी पड़ती है, सिर्फ उसी लाइन की इंटेंसिटी बतानी पड़ती है जिसको डिस्प्ले करना है इमेज में। मेनली जो है लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम्स में रैंडम स्कैन डिस्प्ले का यूज़ किया जाता है। तो इट डायरेक्टली ट्रेसेस आउट ओनली द डिज़ायर लाइंस ऑन सीआरटी, ठीक है, ये सिर्फ उन्हीं लाइंस को सीआरटी पे ट्रेस करती है टेक्निक जिन लाइन को हम सीआरटी पे डिस्प्ले करना चाहते हैं। हेयर इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ द सीआरटी डायरेक्टेड ओनली टू द पार्ट्स ऑफ द स्क्रीन वेयर ए पिक्चर इज टू बी ड्रॉन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बीम रास्टर स्कैन डिस्प्ले की तरह पूरी स्क्रीन पे मूव नहीं होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बीम्स सिर्फ उन्हीं पार्ट्स ऑफ द स्क्रीन पे डायरेक्ट होगी जहाँ पर पिक्चर को ड्रॉ करना है। इफ़ वी वांट अ लाइन बिटवीन पॉइंट P1 एंड P2 देन वी डायरेक्टली ड्राइव द बीम डिफ्लेक्ट सर्किटरी विच फोकस बीम डायरेक्टली फ्रॉम पॉइंट P1 टू P2। तो अगर हमें कोई लाइन पॉइंट P1 से P2 पे ड्रॉ करनी है तो हम डायरेक्टली जो है इलेक्ट्रॉन बीम को डिफ्लेक्शन सर्किटरी का यूज़ करके उसी लाइन की तरफ फोकस करवा सकते हैं जिससे डायरेक्टली लाइन ड्रॉ हो जाए पॉइंट P1 और P2 के बिटवीन। इफ़ वी डू नॉट वांट टू डिस्प्ले अ लाइन फ्रॉम P1 टू P2 वी कैन ब्लैंक द बीम एज वी मूव इट। तो अगर हमें कोई लाइन नहीं ड्रॉ करनी है तो उस केस में हम इलेक्ट्रॉन बीम को ऑफ भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको सीआरटी में बताया था कंट्रोल ग्रिड यूज करके। नेक्स्ट इज आर्किटेक्चर ऑफ रैंडम स्कैन डिस्प्ले। तो यहाँ पर भी देखो सीपीयू है, इनपुट आउटपुट पोर्ट है, यहाँ पर डिस्प्ले कंट्रोलर है, और डिस्प्ले कंट्रोलर कहाँ से डेटा एक्सेस कर रहा है, डिस्प्ले बफर मेमोरी से। तो यहाँ पर देखो डिस्प्ले बफर मेमोरी यूज़ हो रही है, यहाँ पर हर स्क्रीन पॉइंट की इंटेंसिटी नहीं दी होती है। यहाँ डिस्प्ले बफर के अंदर एक डिस्प्ले फाइल होती है जिसमें कमांड्स लिखी होती हैं कि लाइन कहाँ से कहाँ ड्रॉ होनी है, या कैरेक्टर जो है वो कौन सा कैरेक्टर ड्रॉ होना है उसकी कोडिंग लिखी हुई होती है। यानी यहाँ पर प्रोग्राम दिया जाता है कमांड्स के फॉर्म में, ना कि इंटेंसिटी वैल्यू दी जाती है हर स्क्रीन वैल्यू की। तो ये डिफरेंस है इसमें रैंडम स्कैन और रास्टर स्कैन के बफर में। तो डिस्प्ले कंट्रोलर सीआरटी पे डायरेक्ट कमांड्स के अकॉर्डिंग, जो कि डिस्प्ले बफर मेमोरी में गिवन है, उस कमांड्स के अकॉर्डिंग सीआरटी पे लाइन ड्रॉ कर देता है विद द हेल्प ऑफ वेक्टर कंट्रोलर। रैंडम स्कैन डिस्प्ले कंसिस्ट ऑफ सीपीयू, डिस्प्ले कंट्रोलर, डिस्प्ले बफर मेमोरी एंड सीआरटी। तो यहाँ पर डिस्प्ले बफर और जिसे रिफ्रेश बफर भी बोला जाता है, तो ये क्या होता है, डिस्प्ले बफर स्टोर्स कंप्यूटर प्रोड्यूस डिस्प्ले लिस्ट और डिस्प्ले प्रोग्राम। दिस प्रोग्राम कंटेन्स पॉइंट्स एंड लाइन प्लॉटिंग कमांड्स विद एंड पॉइंट कोऑर्डिनेट एज वेल एज कैरेक्टर प्लॉटिंग कमांड्स। तो जो डिस्प्ले बफर है वो क्या स्टोर करता है, जो कंप्यूटर प्रोड्यूस डिस्प्ले लिस्ट होगी या डिस्प्ले प्रोग्राम होगा, ठीक है, यानी कि जो डिस्प्ले बफर है वो एक प्रोग्राम को डिस्प्ले लिस्ट या डिस्प्ले प्रोग्राम जिसे बोला जाता है उसको स्टोर करता है। उस प्रोग्राम के अंदर जो भी लाइन ड्रॉ होनी है उसके एंड पॉइंट्स रहते हैं, एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स रहते हैं, साथ ही साथ अगर कोई कैरेक्टर ड्रॉ होना है तो कैरेक्टर प्लॉटिंग कमांड्स भी होती हैं उस डिस्प्ले फाइल के अंदर। एज डिस्प्ले बफर इज़ यूज टू स्टोर डिस्प्ले लिस्ट एंड यूज टू रिफ्रेशिंग, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रेफ्रेश बफर। क्योंकि डिस्प्ले बफर जो है वो डिस्प्ले लिस्ट यानी जो प्रोग्राम है लाइन ड्रॉ करने का उसको भी स्टोर करता है, और साथ ही साथ उस लाइन को रीड्रॉ करने के लिए भी या रिफ्रेश करने के लिए भी यूज़ होता है, तो इसीलिए इसे रिफ्रेश बफर भी बोला जाता है। नेक्स्ट इज डिस्प्ले कंट्रोलर। कंट्रोलर इट इज़ कनेक्टेड एज एन इनपुट आउटपुट पेरिफेरल टू द CPU। तो ये CPU से एज ए इनपुट आउटपुट पेरिफेरल यानी डिवाइस की तरह कनेक्टेड होता है।
डिस्प्ले कंट्रोलर इंटरप्रेट्स कमांड्स ऑफ डिस्प्ले बफर एंड सेंड्स डिजिटल सिग्नल एंड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स टू ए वेक्टर जनरेटर। डिस्प्ले कंट्रोलर जो है वो डिस्प्ले बफर से कमांड्स को लेकर उसको इंटरप्रेट करता है और फिर उसका डिजिटल सिग्नल जो है उन कमांड्स का जो पॉइंट कोऑर्डिनेट्स है उन सभी का डिजिटल सिग्नल जो है वो वेक्टर कंट्रोलर को सेंड करता है। वेक्टर जनरेटर देन कन्वर्ट्स द डिजिटल कोऑर्डिनेट वैल्यू टू एनालॉग वोल्टेज फॉर बीम डिफ्लेक्शन सर्किट्स दैट डिस्प्लेज एन इलेक्ट्रॉन बीम विच पॉइंट्स ऑन द सीआरटी स्क्रीन। तो वेक्टर जनरेटर क्या करता है, जो भी डिजिटल सिग्नल डिस्प्ले कंट्रोलर ने दिया है उसको उन डिजिटल कोऑर्डिनेट्स को वो एनालॉग वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, क्योंकि आपको पता है कि सीआरटी में जो बीम डिफ्लेक्शन सर्किट्स थे, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स थी, उनको तो वोल्टेज के फॉर्म में ही इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे। तो उस सर्किट्स को क्योंकि एनालॉग वोल्टेज चाहिए होता है, तो वेक्टर जनरेटर जो है इन डिजिटल कोऑर्डिनेट वैल्यू को एनालॉग वोल्टेज में कन्वर्ट करके बीम डिफ्लेक्शन सर्किट्स भेजता है ये इंस्ट्रक्शन, जिससे इलेक्ट्रॉन बीम जो है सीआरटी की उन्हीं पॉइंट्स पे मूव करे जहाँ पर लाइन ड्रॉ होनी है। इन रैंडम स्कैन डिस्प्ले बीम इज डिफ्लेक्टेड फ्रॉम एंड पॉइंट टू एंड पॉइंट, हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड एज रैंडम स्कैन। क्योंकि रैंडम स्कैन डिस्प्ले में जो एंड पॉइंट्स हैं, रैंडम एंड पॉइंट्स हैं, उनके बिटवीन लाइन ड्रॉ होती है, ना कि पूरी स्क्रीन पॉइंट्स को स्कैन करके जैसे रास्टर स्कैन में होता था। तो यहाँ पर क्योंकि रैंडम पॉइंट्स के बिटवीन जो है, रैंडम एंड पॉइंट्स के बिटवीन लाइन ड्रॉ होती है, इसीलिए से रैंडम स्कैन डिस्प्ले बोलते हैं। मोर सूटेड टू लाइन ड्राइंग एप्लीकेशन एग्जाम्पल CRO एंड पेन प्लॉटर। तो ये जो है लाइन ड्राइंग एप्लीकेशन में ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे CRO और पेन प्लॉटर में इसका यूज़ होता है। एज बीम स्ट्राइक्स फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन इट इमिट्स लाइट, बट दैट लाइट डिलेज आफ्टर फ्यू मिली सेकेंड एंड देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू रिपीट थ्रू द डिस्प्ले लिस्ट टू रिफ्रेश द स्क्रीन एटलीस्ट 30 टाइम्स पर सेकेंड टू अवॉइड फ्लिकर। मैंने आपको बताया था कि जब भी इलेक्ट्रॉन बीम जो है फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन पे स्ट्राइक होती है तो वैसे ही लाइट एमिट होती है। तो ये जो लाइट होती है वो कुछ टाइम के लिए ही होती है, कुछ टाइम बाद, कुछ फ्यू मिली सेकेंड्स के बाद वो लाइट जो है वो डल हो जाती है। तो अगर आप चाहते हो कि इमेज जो है वो कंटिन्यूस ग्लो करती हुई दिखे, वो डल ना पड़े, यानी फ्लिकर ना हो, फ्लिकर मतलब होता है वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटीज ऑन स्क्रीन, जो स्क्रीन पे लाइन दिख रही है उसकी इंटेंसिटी कम ना हो, आपको वो कंटिन्यूस वे में दिखती रहे, तो उस केस में सीआरटी को क्या करना पड़ता है, कंटिन्यूस वे में डिस्प्ले लिस्ट से डेटा लेकर स्क्रीन को रिफ्रेश करते रहना पड़ता है एटलीस्ट 30 टाइम्स पर सेकेंड, जिससे आपको जो इमेज की इंटेंसिटी है वो कम ना दिखे, आपको वो कंटिन्यूस वे में दिखे। एडवांटेजेस क्या हैं रैंडम डिस्प्ले के, स्मूथ लाइंस आर डिस्प्लेड बिकॉज सीआरटी बीम डायरेक्टली फॉलो लाइन पाथ। तो यहाँ पर आपको स्मूथ लाइंस दिखेंगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीम डायरेक्टली लाइंस ड्रॉ करिए, ना कि पॉइंट्स को जैसे रास्टर स्कैन डिस्प्ले में हो रहा था। सेकेंड, इट हैव हाई रिजोल्यूशन सिंस पिक्चर डेफिनेशन इज स्टोर्ड एज ए सेट ऑफ लाइन ड्रॉइंग कमांड्स नॉट एज ए सेट ऑफ इंटेंसिटी वैल्यू। तो यहाँ पर आपको हाई रिजोल्यूशन की पिक्चर दिखेगी। रिजोल्यूशन क्या होता है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट कैन बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन विदाउट ओवरलैपिंग। तो विदाउट ओवरलैपिंग जितनी भी नंबर ऑफ पॉइंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले होती हैं, तो होता है रिजोल्यूशन। तो रास्टर स्कैन डिस्प्ले का रिजोल्यूशन लो था क्योंकि उसमें फ्रेम बफर में इंटेंसिटी वैल्यू हर स्क्रीन पॉइंट की होती थी, यानी उसमें डिस्क्रीट वैल्यूज के फॉर्म में फ्रेम बफर में डेटा स्टोर होता था, उसके अकॉर्डिंग वीडियो कंट्रोलर जो है स्क्रीन पर इमेज को डिस्प्ले करता था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि फ्रेम बफर में लाइन ड्राइंग कमांड्स दी हुई हैं, इंटेंसिटी वैल्यूज नहीं दी गई हैं, लाइन ड्राइंग कमांड्स होने की वजह से स्मूथ लाइन जो है स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी, जिसकी वजह से इसका रिजोल्यूशन क्या होता है, हाई होता है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये जो स्क्रीन्स होती हैं एक्सपेंसिव होती हैं, इट कैन नॉट डिस्प्ले रियलिस्टिक शेड्स सीन। डिस्प्ले टेक्निक है जिसको हम रियलिस्टिक शेड सीन्स में नहीं यूज़ कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू रास्टर स्कैन डिस्प्ले। रास्टर स्कैन डिस्प्ले को हम रियलिस्टिक सीन्स को डिस्प्ले करने के लिए भी यूज़ कर पा रहे थे और उसमें कलर शेड्स भी थे, उसमें शेडो भी दे सकते थे, बट यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं।